Hi guys, welcome or welcome back to my channel. I am Pallavi. I hope you all are doing great. So, आज मैं आप लोग के साथ share करने वाली हूँ. So, मैंने ये बहुत ही simple सा last time makeup look create किया है, जो बहुत ही easy है and time saving है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही helpful होगा. क्योंकि त्यौहार के दिन ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं एंड सारे काम हो जाते हैं, लेकिन जब तैयार होने का टाइम आता है तो हमारे पास टाइम ही नहीं बचता है. तो हम फटाफट से कुछ से कुछ करके तैयार हो जाते हैं. सो ये उसी के लिए ये मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है. ये बहुत ही ईजी लुक है, बहुत ही सिंपल लुक है. मैंने ऑरेंज आई के साथ ये स्मोकी लाइनर क्रिएट किया है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है. बहुत ही नेचुरल एंड क्लासी लुक दे रहा है एंड मैंने कोई भी फॉल्सीज अप्लाई नहीं किया है. सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, आपको ये लुक अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को भर भर के प्यार दीजिएगा एंड मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर दे लाइक एंड सब्सक्राइब. बिल्कुल फ्री है एंड बस 2 सेकंड लगने वाले हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में. तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए. तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है. सो लेट्स गो गाइस. मैं यहाँ स्टार्ट करी प्राइमर से, क्योंकि मैंने अपने स्किन को अच्छे से प्रेप कर लिया था. एंड ये ब्लू हेवन का प्राइमर है, जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अफोर्डेबल है. अगर आप बिगनर हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा. तो इसे मैंने अच्छे से अपने स्किन पे अप्लाई कर लिया है एंड मैं यहाँ अपने हेयर को टाई कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने हेयर को टाई करना भूल गई थी. तो मुझे यहाँ जो भी पतलू सा कोई रबड़ मिला है, तो मैं उससे अपने हेयर को टाई कर ले रही हूँ. सो देन मैंने यहाँ पे लिया है सिस ब्यूटी का ये कंसीलर एंड इसे मैं अच्छे से अपने स्किन पे, अपने जो भी एरियाज हैं, अपने अंडर ऑफ द आईज, फोरहेड, ब्रिज ऑफ द नोज, हर जगह अच्छे से अप्लाई कर लूँगी. एंड जहाँ मुझे अपने डार्क स्पॉट्स या फिर पिगमेंटेशन दिख रही है, मैं वहाँ भी इसे अप्लाई करूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पर आज कोई फाउंडेशन अप्लाई नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ये झटपट सा मेकअप लुक है, तो मैं फाउंडेशन में कोई टाइम वेस्ट नहीं करूँगी. एंड इसे मैं अपने फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड करने की कोशिश करूँगी, बट यहाँ मुझे अपने इसे पूरे फेस पे अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे ब्रश भी यूज़ करूँगी, ताकि ये मेरे पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई हो जाए. या देन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 20 समथिंग पैलेट से ये ब्रॉन्जर शेड एंड इससे मैं अपने फेस को अच्छे से कॉन्टोर कर लूँगी. एंड मेरी स्किन यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा वाइट लग रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंसीलर शेड अप्लाई किया है, जो कि 1-2 शेड लाइट है मेरे स्किन टोन से. सो कॉन्टोर करने के बाद ये भी थोड़ा सा सही हो जाएगा एंड नेचुरल लुक देगा मेरे स्किन को. सो मैं अपने अच्छे से नोज़ को भी कॉन्टोर कर ले रही हूँ. देन मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये लैक्मे की लिपस्टिक इन दिस शेड रेड एंड इसे मैं एज अ ब्लश अप्लाई करूँगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप कोई ब्लश पैलेट लो या फिर कोई आई शेडो पैलेट लो. सो इसे मैं अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ. एंड आप कोई क्रीमी लिपस्टिक या क्रीमी ब्लशर अप्लाई करते हो तो वो ज़्यादा नेचुरल लगता है. देन मैंने 20 समथिंग पैलेट से हाईलाइटर शेड लिया है एंड इसे मैं अच्छे से अपने चिक बोन्स पे, ब्रिज ऑफ द नोज पे, फोरहेड पे, चिन पे, हर जगह अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ. देन मैंने यहाँ पे लिया है ये ADS का ब्रॉ पेंसिल, जो कि मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ. इनफैक्ट मैं इसे कॉलेज टाइम से यूज़ कर रही हूँ. ये बहुत ही ईजी होता है अप्लाई करने में, अगर आप डेली यूज़ में यूज़ करना चाहते हो या नॉर्मल इस फास्ट फॉरवर्ड लुक में यूज़ करना चाहते हो, तो आप इसे बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो. एंड ये बिल्कुल मेरे ब्रॉज के शेड का है, आई एम सॉरी. देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये स्ट्रे किरकी का काजल एंड इसे मैं रफली आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ. देन मैंने यहाँ पे एक टेपर्ड ब्रश लिया है एंड इसकी हेल्प से मैं अच्छे से अपने काजल को ब्लेंड कर रही हूँ, एक स्मोकी लुक दे रही हूँ. देन मैंने यहाँ पे 20 समथिंग पैलेट से ये ऑरेंज शेड लिया है एंड अपने काजल के साथ मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी पूरे आईलेट पे. एंड इस तरह का लुक बहुत ही अच्छा लगता है, क्लासी लगता है एंड मुझे पर्सनली बहुत पसंद है इस तरह के लुक. बिल्कुल एफर्ट नहीं लगते हैं, बिल्कुल ऐसा कुछ हैवी भी नहीं लगता है. सो या आई लाइक दिस टाइप ऑफ लुक. सो मैंने इसे से ब्लेंड कर लिया है एंड आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है. आप चाहो तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हो, बट मैं हल्का सा अपने सेंटर पे अप्लाई कर रही हूँ ये ग्लिटर, जो कि SFR का पैलेट है. या दैट्स शेड. देन मैं अपने सेकंड आई को भी डन कर लेती हूँ. देन मैंने यहाँ पे ऑरेंज शेड लिया है एंड अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ.
एंड देन मैंने यहाँ पे लिया है ब्लैक शेड एंड इसे मैं अपने लोअर लैश लाइन के क्लोज अप्लाई कर रही हूँ। सो बहुत ही इजी है, आप जो शेड अपने क्रीज पे अप्लाई करते हो वो पहले अप्लाई करो, देन अप्लाई करो जो आप अपने आईलेट पे अप्लाई कर रहे हो वो अप्लाई करो। सो बहुत इजी है आई लुक क्रिएट करना, आई मेकअप करना। सो मैंने अपने ब्राबून पे एंड इनर कॉर्नर पे हाइलाइटर अप्लाई कर लिया है एंड देन मैंने यहाँ अपने लैसेस को कर्ल किया है क्योंकि मैं यहाँ फॉल्सेस अप्लाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये डे टाइम लुक है, नेचुरल लुक है, सो फॉल्सेस थोड़ा हैवी हो जाता है। देन यहाँ मैंने लिया है लोटस का ये मस्कारा एंड ये मस्कारा मुझे पसंद है, अच्छा लगता है मुझे। इसका जो एप्लीकेटर है वो भी बहुत ही अच्छा है, अच्छे से अप्लाई होता है मस्कारा। सो इसे मैं 2-3 कोट अप्लाई कर लूँगी जिससे कि मेरे लैसेस थोड़े से वॉल्यूमनाइज लगे एंड इसकी लेंथ भी सही लगे। सो लिपस्टिक के मैंने यहाँ लिया है लैक्मे 925 की ये पीची न्यूड लिपस्टिक जो कि मेरे मेकअप एंड मेरी साड़ी के साथ बहुत ही अच्छे से जा रही है एंड अपने फिंगर की हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ अपने लिप्स पे। सो या दिस इज़ माय फाइनल लुक गाइस। सो आप कमेंट बॉक्स में बताओ आपको ये लुक कैसा लगा, आप इसे कैरी करके भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपने इसे कैसे कैरी किया, कैसा लगा आपको। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको पता ही क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल बटन को भी हिट कर दें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।